एक और अहम खबर आ रही है, पीटीआई ने नजरसानी के बाद फैसलाबाद में दो हलकों के उम्मीदवार तब्दील कर दिए हैं। पीपी 101 से शाहिर दाऊद और पीपी 108 से नदीम आफताब सिंधु को टिकट दे दिया गया है। बात करेंगे नईम कैसर हमारे साथ हैं। जी नईम, बताएगा क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुतालिक आपके पास। जी, पंजाब के इलेक्शन के लिए फैसलाबाद के 21 हलकों में जो सूबाई असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जारी किए गए थे, उनके टिकटों के खिलाफ जो है वो उम्मीदवारों की जानब से 12 एहतजाज किया जा रहा था कि टिकटों की तकसीम जो है वो गैर मुनसफाना तरीके से की गई है, जिस पर नजरसानी की अपीलें जो है वो दायर की गई थी और तमाम 21 हलकों से नजरसानी की अपीलें जो है वो दायर की गई थी। अब तक दो हलकों में पीपी 101 से टिकट तब्दील हुआ है, जहाँ पर एहसान मुश्ताक सूर की जगह पर शाहिर दाऊद को टिकट जारी किया गया है। पंजाब के इलेक्शन के लिए फैसलाबाद के 21 हलकों में जो सूबाई असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जारी किए गए थे, उनके टिकटों के खिलाफ जो है वो उम्मीदवारों की जानब से 12 एहतजाज किया जा रहा था कि टिकटों की तकसीम जो है वो गैर मुनसफाना तरीके से की गई है, जिस पर नजरसानी की अपीलें जो है वो दायर की गई थी और तमाम 21 हलकों से नजरसानी की अपीलें जो है वो दायर की गई थी। अब तक दो हलकों में पीपी 101 से टिकट तब्दील हुआ है, जहाँ पर एहसान मुश्ताक सूर की जगह पर शाहिर दाऊद को टिकट जारी किया गया है। ठीक है, इन दोनों मेंबरान को टिकट जारी कर दिए गए हैं। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया।